में 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न प्रभु रामचंद्र जी के अभिषेक तथा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सहभागी सावनी शहर के युवा देवेंद्र दलाल का सावनी शहर में आगमन पर ढोल ताशे डीजे तथा केसरिया ध्वज हाथों में ले सैकड़ों की संख्या में उपस्थित राम भक्तों ने भव्य स्वागत किया। श्री गुरुदेव नरेंद्र महाराज मौर्य संस्थान नानेज के परम अनुयायी देवेंद्र दलाल को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित आयोजन हेतु ससम्मान आमंत्रित किए जाने से पौराणिक नगरी सावनेर में हर्षोल्लास का वातावरण निर्माण था। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र के अभिषेक तथा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर 24 जनवरी की शाम उनका सावनेर आगमन होते ही श्री गुरुदेव नरेंद्र मौली प्रतिष्ठान तथा गणमान्य नगर वासियों की प्रमुख उपस्थिति में नागपुर रोड से नाग मंदिर में पूजा कर मंदिर प्रांगण में स्वागत कर बस्तानक राजकमल चौक श्री हनुमान मंदिर गांधी पुतला आदि स्थानों से उनके निवास स्थान तक भव्य रैली के साथ उनके आगमन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जगह जगह पर फूल मालाएं पहनाकर तथा फूल बरसाकर भव्यता से स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय संवाददाताओं से रामलला के आयोजन में उपस्थित होकर प्राप्त अनुभूति पर बात करते हुए कहा कि प्रभु रामचंद्र जी तथा नरेंद्र मौली के आशीर्वाद तथा मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण मुझे यह निमंत्रण प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा मानना है तथा समुच्चय सनातन विश्व जिस घड़ी की प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से कर रहा था उस पावन अवसर पर समुचे भारतवर्ष से पहुंचे साधु संत महात्माओं के साथ उपस्थित रहकर मेरा जीवन सार्थक हुआ है। जैसे ही प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हुए जयघोष के साथ उपस्थित भाव विभोर सभी की आंखों में आंसू झलक उठे और पिछले 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने की खुशी झलक उठी, ऐसे विचार व्यक्त कर अपने अनुभव बताए। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक तेज सिंह सावजी सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढुंडले मावली निर्माण संस्था के उमेश काळे श्री गुरुदेव नरेंद्र मावली महाराज परिवार के राजकुमार आरखोड़े संजय मानकर मधुकर किनकर किशोर बाल पांडे घनश्याम तातोड़े राहुल कड़े शुभम एकुलकर नितेश काळे अक्षय अंबरते रोशन जुनखरे आदि सहित गुरुदेव मावली परिवार के असंख्य अनुयायी प्रमुखता से उपस्थित थे। जय श्री राम। जय श्री। मैं देवेंद्र दलाल, ये मेरा सौभाग्य है। मैं एक आम परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज जो निमंत्रण मुझे आया अयोध्या के, ये प्रभु कृपा गुरुदेव की कृपा और सभी सावनेर वासियों का प्यार, जो कर्म किया है और जो सदिच्छा है, ब्लेसिंग है, उसके तहत एक प्रतिनिधि के तौर पे, समूचे समाज का एक प्रतिनिधित्व करने के तौर पे मैं अयोध्या दाखिल हुआ। वहाँ का सब माहौल देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वर्ग लोक में पधार रहा हूँ। सही में प्रभु रामचंद्र 500 साल के इतिहास के बाद, जैसे प्रभु रामचंद्र जी वनवास से पधार के अयोध्या आए थे, उस तरह अयोध्या नगरी सजी हुई थी और ये अतिथियों का स्वागत ये देख के हम तो सही में, हमारे लिए पास शब्द नहीं सूझ रहे हैं। एक अलग अनूठा वातावरण, परमेश्वरीय वातावरण, हर साधु संत महंत जगत गुरु शंकराचार्य रामानंदाचार्य सब पधारे थे और काफ़ी अतिथि महागण जो नामी ज्ञानी थे वो वहाँ पे आए थे। 22 जनवरी को समूचे देश ने दिवाली मनाई, वहाँ अयोध्या में रहकर आप किस प्रकार से महसूस कर रहे थे? एक सामान्य आदमी को हजारों वीआईपी के बीच में आपको निमंत्रण आना, ये अनुभूति कैसी रही? ये तो बीओप ऑफ सावनेर, इन लोगों के ब्लेसिंग और सबसे ज़्यादा जननी जन्मभूमि, ये सावनेर के मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, इसकी पवित्रता, कर्म और सावनेर वासियों की सदिच्छा प्यार ब्लेसिंग वहाँ तक लेके गई। मैं इतना खुद को गौरवान्वित महसूस किया, मगर हर वक्त मेरा मन सावनेर वासियों के तरफ था कि ये मेरे सावनेर वासी और ये सावनेर की पवित्र मिट्टी कि एक देवेंद्र दलाल को सुवर्ण अक्षर में जो नाम लिखा जाएगा तो देवेंद्र दलाल नाम मिट जाएगा, मगर सावनेर नाम अबाधित रहेगा और 22 जनवरी 2024 इस सुवर्ण अक्षर में जो इतिहास का निर्माण अभी आने वाली पीढ़ी इसका अध्ययन करेगा, तो मुझे उस चीज का गर्व है, फख्र है कि मेरा सावनेर का नाम अयोध्या नगरी में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।